दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय शहीद लखवीर सिंह हीरा चैरिटेबल एवं एजुकेशन सोसाइटी मैरा। सोसाइटी का एकमात्र उद्देश्य समाज सेवा। नगर निकाय व पंचायत चुनावों में जीत हासिल करने वाले भाजपा समर्थित नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सम्मान में शनिवार को बौड़ स्थित राणा फार्म में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें वन युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने निकाय चुनावों में ऐतिहासिक जीत करने वाले नगर पार्षदों व पंचायत चुनावों में नव निर्वाचित भाजपा की विचारधारा से जुड़े प्रधान उप प्रधान वार्ड सदस्यों बीडीसी सदस्यों को जीत की बधाई दी। इससे पूर्व नव निर्वाचित जनप्रतिनिधि अपने समर्थकों सहित अलग अलग टोलियों में ढोल नगाड़ों के साथ जीत की खुशी में झूमते नाचते कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां राकेश पठानिया समर्थकों ने ढोल की थाप पर नाचकर अपनी खुशी का इजहार किया। राकेश पठानिया के पक्ष में नारेबाजी भी की। इस अवसर पर वन मंत्री राकेश पठानिया ने सभागार में उपस्थित जनप्रतिनिधियों व पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उनका हमेशा से ही नूरपुर क्षेत्र का विकास ही मुख्य एजेंडा रहा है। उन्होंने सभी नव निर्वाचित प्रतिनिधियों से नूरपुर विधानसभा में एक विकास की गति को तेज करने और अपने अपने क्षेत्रों में विकास करवाने के लिए सहयोग करने की अपील की। पंचायती चुनाव संपन्न हुए ना, कैसे मानते हैं, किस प्रकार के विचार रहे, जैसे चाहे पंचायत समिति की बात करें या दूसरे पैनल की बात करें। देखिए, नूरपुर शहर के बाद पंचायतों में भी 75-25 की रेशियो से भाजपा के जो है प्रत्याशी जीते हैं, और एक जयराम ठाकुर की सरकार के ऊपर मोहर नूरपुर की जनता ने, कांगड़ा की जनता ने लगाई, और बीडीसी में भी 25 में से 20 हमारे कार्यकर्ता जीत लगाए। ये एक तरफा जो था वो इलेक्शन था, जिला परिषद में एक सीट हमने हारी है थोड़े से मार्जिन से, उसकी भी हम समीक्षा कर रहे हैं। अपने उन्होंने ही बीच में जो है जगह दी है, और पूरा माफिया जो था खनन माफिया और कांग्रेस एक साथ होकर उन्होंने चुनाव लड़ा है, और करोड़ों रुपए जो है यहाँ पे हमारे कार्यकर्ताओं को हराने के लिए लगाए हैं, पर लोगों का रिजल्ट जो है बिल्कुल विपरीत रहा है, और लगभग जो है 75-25 के रेशियो से आज 34 प्रधान आपके सामने यहाँ पे आए। अभी कुछ पंचायतें और आ रही हैं, कईयों की आज फंक्शन घर में फंक्शन है, बीडीसी के लोग रात को 4 बजे फ्री हुए हैं, तो आज सब अपने अपने घर में जश्न का माहौल कर रहे हैं। उसके बावजूद भी आज हमारे पास यहाँ पे 16 बीडीसी मेंबर मौजूद हैं, और बाकी का हमारे से संपर्क का जो ऐसी महिला जो रिजर्वेशन है इस बार चेयरमैन के लिए, तीनों महिलाएं जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे सुरक्षित हैं। जिस तरीके से अब बीडीसी का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भी भाजपा का बनना तय है, और कांगड़ा का भी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जिला परिषद का बनना भाजपा का तय है, और चंबा में भी यही स्थिति है। चंबा में भी हमारे पास 13-18 में से जीत कर आए हैं, और कांगड़ा में 35 हमारे जो हैं जीत कर आए हैं 54 में से। तो इसका बड़ा क्लियर है कि कांगड़ा जिला परिषद और चंबा जिला परिषद पे दोनों पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विजय रहे हैं।